इस श्रृंखला को, आज के इस वेबिनार को आगे बढ़ाने में सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे ग्रेट लीडर, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनके विषय में आप सभी परिचित हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे विचारों के धनी भाई साहब राजपाल यादव जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। आप आए और थोड़े समय में आप अपनी बातों को रख करके हम सभी को अभिभूत करें, बड़ी कृपा होगी। जी आइए राजपाल यादव जी, प्लीज आपका स्वागत है। राजपाल यादव सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ सर, बोलो बोलो। आइए सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दोस्तों, मैं बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे चंद्रभूषण जी ने ओनरशिप के बारे में कुछ दो शब्द बोलने का मुझे आज मौका मिला है। तो मुझे जो ओनरशिप का जो अनुभव हुआ है मैं आपके सामने शेयर करूँगा। उससे पहले मैं अपनी जानकारी दे दूँ, नाम राजपाल यादव, फरीदाबाद में रह करके ओनरशिप को सीख रहा हूँ और सीखते सीखते जो अनुभव हुआ है मैं आपके सामने आज मुझे जो शेयर करने का मौका मिला है मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, वो स्टाफ जब लॉन्च हो गया, होने के बाद कुछ लोगों को तो महसूस होगा, पता लग गया होगा कितने लोगों में खुशियां जाग चुकी है, कितने लोग खुश नजर आने लगे हैं। क्यों? काफी लोगों को बहुत बहुत अच्छा महसूस होने लग रहा है। कि कई लोगों से मुझे फोन आया, क्या मजा आ गया, क्या गजब हो गया, क्योंकि वो स्टाफ इतना बड़ा प्लेटफार्म है कि उसकी जितनी मैं बढ़ाई करूं उतना ही कम है। तो सब लोगों को पता लग गया है कि आज हमारे डाउन में पता नहीं कितनी बड़ी 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 कंपनी हमारे डाउन में आने वाली है, कितने बड़े बड़े माहौल हमारे डाउन में आने वाले हैं, कितनी इतनी बड़ी बड़ी वर्कशॉपें हमारे डाउन में आने वाली है। क्यों? ये ओ स्टाफ जो है ये हर जगह हर के पास यूज होने वाला है। ऐसा प्रोडक्ट शायद आज तक कहीं भी मार्केट में आया नहीं था। तो इसलिए सब लोगों में खुशियां जाग उठी है कि अब तो हम तो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जब और आने वाले जो भी आएगा वो कहां पर आएगा, वो हम एक दूसरे के डाउन में तो आएगा। तो इसलिए हम लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं। और कुछ लोगों को इसके बारे में अभी मालूम भी नहीं है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है मार्केट में। क्यों? ये MLM कंपनी नहीं है कि सामान खरीदोगे, खरीदवाओगे, ग्रुप को बढ़ाओगे, तब पैसा आएगा। नहीं, ये तो ऑटोमेटिक लोग अपने लिए वो स्टाफ को यूज करेंगे, अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, तो इनकम एक दूसरे के आने वाली है। यही है एक आर्टिफिशियल कंपनी, जिसको कहते हैं हम ओन पेशिंग। तो कहते ना, आपका यहां तो आपके डाउन में ऑटोमेटिक ही काम होना है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि काम कहां से हो गया, कैसे आ गया, कहां से इतना ग्रुप बढ़ गया है। और आज ओन पेशी में खुश कौन है? खुश वही है जो ओन पेशी को समझ चुके हैं, उनको अपना भविष्य की दिखाई देने लग गया है। जो नहीं समझा हुआ तो आज भी यही कहता है कंपनी कब लॉन्चिंग होगी, ये समझ चुका है वही कभी भी नहीं कहेगा जो ओन पेशी के बारे में समझ चुके हैं। जैसे हमारे उमा शंकर जी, मनोज जी, मुशरफ जी, पांडे जी, चंद्रभूषण जी, इनके मुंह से कभी नहीं सुनोगे आप। जैसे हमारे डीलर साहब जी, जस्सी साहब जी, तो इनको पता है जो टाइम लग रहा है ना वो हमारे भविष्य के लिए लग रहा है। और जितना आगे टाइम लगेगा उतना ही अच्छा है, हर आदमी यही कहेगा जितना और टाइम लग रहा है उतना अच्छा ही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में ओन पेशी में हमारा भविष्य कितना बदलने वाला है। और ये बिजनेस उन्हीं लोगों के समझ में नहीं आ रहा जिन्होंने इस कंपनी को MLM कंपनी समझ रखा है और MLM कंपनियों में काम किया हुआ है, और वो भी कैसे, सेटिंग करके, मोटरसाइकिल का तेल का खर्चा लेकर के, लोगों से जुटे साज से फोन करके अपना चेक मोटा बनाने की कोशिश की है, उन लोगों ने लोगों को, दूसरे लोगों को धोखा दे करके काम किया है। ये सिस्टम अभी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप किसी अनजान व्यक्ति को बता के देखिए, एकदम से समझ में आ रहा है। कंपनी
वो अभी भी इसको एमएल कंपनी समझ रहे, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा। कहते ना अवसर तो सभी को मिलता है, लेकिन कोई इसको मौका समझ लेता है, कोई इसको धोखा समझ लेता है। मैं तो कहता हूं आज ओन पैसिव के समझने का मौका है, और समझने का और समझाने का। नहीं तो आप एक दिन आप कहेंगे जब मौका आया समझ नहीं आया, जब समझ आया तो मौका निकल गया। दोस्तों हैदराबाद ये भी मैं बता रहा हूँ, आज हैदराबाद जाने में का भी मौका सबको मिलने वाला है। आपको बहुत खुशी की बात बताता हूँ, ये कभी ये मत सोचना कि हमारी टीम छोटी है, हमारी बड़ी है, मेरी जीरो टीम है, यार हमें तो कौन याद करेगा, हमें कौन बुलाएगा। एस मुशरफ जी हमारे सीईओ सब कुछ चेक कर रहे हैं कौन बंदा कितना ऑन पेशी मोटिवेट है। अगर आप अपना बैकग्राउंड अगर अपना अपनी आईडी को दिन में दो बार चार बार खोल कर चेक कर रहे हैं ना, वो भी आपको मोटिवेट कहलाता है। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ ऑन पेशी के बारे में आप चर्चा रखिए, बातचीत बढ़ा के रखिए, अपनी जानकारी लेते रहिए, अपनी आईडी खोलते रहिए, ज्वाइनिंग बढ़े ना बढ़े लेकिन अपना बैकअप चेक करते रहिए। इसी नाते आपको इतनी वो खुशी मिलने वाली है कब आपके पास मैसेज आ जाए कि आपको हैदराबाद इनवाइट किया जा रहा है, वो भी एरोप्लेन के साथ। दोस्तों कुछ लोग तो आपको जाने पहचाने वाले भी जिनको आपने ऑन पेशी में शामिल कर रखा है अपना समझ के, आपको शायद वो ऐसी वैसी बातें भी करते होंगे, करने दीजिए, वो सब आपके नीचे लाइन में लगने वाले हैं। अब मैं तो कहता हूं आप अपना काम करते रहिए। हम ये सभी को कहते हैं ये आ गया ऑन पेशी, ये जा रहा है ऑन पेशी, हर किसी के नाम से भी ऑन पेशी बोलने लग रहे हैं, लेकिन वो ऑन पेशी के बारे में भी कुछ नहीं समझे हैं। इसलिए आप लोगों को कुछ कह रहे होंगे मुझे पता है, आप सुन लीजिए उनकी बातों को, आप काम करते रहिए, बस अपना जानकारी लेते रहिए, बस अपनी। वह जिन ज्यादा दूर नहीं है, आज सिस्टम हमारा 80% तैयार हो चुका है, 20% में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दोस्तों अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें चाहे ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया तो पता है सोती रहती है, फिर भी हमारा सूरज सुबह उगता है, रोशनी देता है। जिस जिंदगी में उत्साह ना हो, लक्ष्य ना हो, नियम नहीं हो, मैं तो कहता हूं उस जिंदगी को जीना नहीं, काटना कहते हैं दोस्तों। और जो जो पल बीत गया वो जिंदगी को समझने का मौका है, और आने वाला हर पल ऑन पैसिव जीने के लिए आपके लिए तोहफा है दोस्तों, इसको स्वीकार करो। और कुछ समाज में बदलाव क्यों नहीं आता, क्योंकि गरीब लोगों में हिम्मत नहीं होती, और मध्यम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती, और अमीर लोगों को जरूरत नहीं होती। तो इसलिए ऑन पैसिव को समझिए, सीखिए। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपने देखा होगा कि जितनी मीटिंग, जितने सेमिनार, जितने जहां भी जो भी कुछ हो रहे हैं, बस सबका बताने का तरीका अलग है, और नाम एक ऑन पैसिव है। तो आप जितना भी मैं कहता हूं समझो, हकीकत में ऑन पैसिव पैसों का खजाना है, और वो खजाना आपको मिल चुका है। आप लक्की हो जो आज टाइम से पहले जो इसके अंदर वो फाउंडर बन चुके हैं, और कुछ दिनों के अंदर ही ये वो फाउंडर भी बंद होने वाला है। और वैसे आप चंद्रभूषण ने बताया कि आप सबको सुनना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम टाइम बोलने का मौका है, दिया हुआ है। और मैं ज्यादा जानकारी इसलिए दोस्तों मैं एक चीज बताता हूँ, कुछ लोग इसमें जैसे टाइम के अनुसार बिजी होते हैं, वो 7 बजे मीटिंग में भी नहीं आ पाते हैं, आने की कोशिश भी करते हैं, कई बार नहीं आ पाते हैं। तो मैं उन लोगों को अपील करता हूँ कि ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे सुबह 10 बजे डिजिटल फ्यूचर फाउंडर पर नई नई वीडियो आ जाती है, हमारे प्रोग्राम की वीडियो भी आ जाती है, वहां पर आप जाकर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो, मैं तो कहता हूं अपने ग्रुप की वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्यों जो हमारे इतने सिस्टम को तैयार कर रहे थे, बढ़ चढ़ के चीजों को बना रहे हैं ताकि उनमें भी कोई नई जागृति उठे। तो कमेंट जरूर करें, इसके अंदर आपको कोई कमियां लगे
क्यों कि हम कमेंट का भी आप लोगों को जवाब आपको देंगे, तो आप जरूर से जरूर इसकी वीडियो को 10 बजे वहां जाकर भी देख सकते हैं, नई नई जानकारी आपको वहां मिलती रहेगी दोस्तों। तो मैं ज्यादा न टाइम लेता हुआ मैं आज अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उनके शिव। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखा, और हमेशा हम आपको इसीलिए सुनना चाहते हैं कि आप बहुत गुणी व्यक्ति हैं, और जब भी आप आते हैं मंच पे तो कुछ नया लेकर आते हैं, और बिल्कुल स्पष्ट रूप में आप अपनी बात को रखते हैं अनपैसिव से रिलेटेड। और अनपैसिव वो समंदर है जिसके अंदर हम सभी गोते खा रहे हैं, और आने वाले समय में वो मजा आने वाला है हम सभी फाउंडर्स को कि जो हमने जीवन में आज तक सिर्फ सोचा है उसे शायद पाने के अभिलाषा भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। आज हमें भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से जो रास्ता मिला है, तो 100% हम उस चीज के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि जहां से हमारी सफलताएं सिर्फ हमारा वेट कर रही हैं। और हम बिल्कुल राजपाल जी के कथन से सहमत हैं कि उन्होंने कहा कि 80% हम चल चुके हैं और 20% का जो डिस्टेंस बचा है बस उसी में हम लोग सफर कर रहे हैं इस टाइम, और वो 20% भी बहुत जल्द हम लोगों के बीच से कटने वाला है। तो थैंक यू सो मच राजपाल जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी वाणी को रखा। आप हमेशा मंच पे आते रहें क्योंकि आपकी नीड हमें हमेशा है, आप जैसे लीडर बहुत कम होते हैं जो सिस्टम को समझते हैं और उसे फॉलो कर पाते हैं। थैंक यू सो मच राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके ओके, तो आज बहुत बड़ा दिन है और आज डिस्कशन का दिन है, और आज हमारे दो महान लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, एक आदरणीय हमारे जो पर्दे के पीछे के कलाकार हैं आदरणीय उमा शंकर सर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नायाब व्यक्ति हैं। हमें इस मीटिंग जो आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, इस मीटिंग को, ये उन्हीं की देन है कि आज इस मीटिंग में हम लोग अवेलेबल हैं सारे लोग, और हम तो उन्हें कौशिक पांड्या कहेंगे। जैसे नेशनल वेबिनार जो होता है जिसमें पर्दे के पीछे के कलाकार वो हैं, तो पर्दे के पीछे के कलाकार हमारे आदरणीय उमा शंकर सर हैं, और दूसरे लीडर हमारे एक ग्रेट लीडर हैं जो बनारस से बिलोंग करते हैं, आदरणीय मुशर्रफ। तो आज दोनों लोग यहाँ पर आकर आपको कुछ बढ़िया सी जानकारियां देंगे रिलेटेड कि हम किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस करें, किस तरीके से इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं, और क्या सिस्टम को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मुशर्रफ सर और आदरणीय हमारे उमा शंकर सर दोनों लोग अपनी प्रस्तुति रखें। तो सबसे पहले मैं अपने आदरणीय मुशर्रफ सर से आह्वान करूंगा कि मंच पे आए और अपनी वाणी को रखें यहाँ पर, और हम सबका मार्गदर्शन करें और ये बताएं कि हम लोग कैसे इस सिस्टम को कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से इस सिस्टम को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आपका स्वागत है सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश जी आपका, और चंद्रभूषण जी आपका भी जवाब नहीं, क्योंकि आप दोनों कोई कहते हैं ना कि लेफ्ट एंड राइट आप दोनों पार्टनर हैं, तो आप दोनों संभालते हैं हमारे ऑन पैसे फाउंडर क्लब को, आप दोनों लोग संभाले हुए हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और थैंक यू वेरी मच ऑल द फाउंडर, गुड इवनिंग, वेलकम फॉर एवरीवन। एक्चुअली हमारे सच में एक अच्छा टेक्निकल पर्सन है हम लोगों का, और जो हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, और मैं भी ये हूँ क्योंकि हमारे अपलाइन भी हैं और हमारे सपोर्ट भी सपोर्ट में भी है टेक्निकली। तो उमा शंकर जी, तो मैं कहूँगा कि 2 मिनट वो भी आए अपने डिस्कशन, फिर हम लोग अपनी बातों को रखें। बातों को प्लीज रखें। प्लीज जरूर जरूर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और बाकी क्या है, आज का जो सेशन है ये सपोज, वैसे तो बहुत कुछ बताया जा चुका है, और बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे भुवनेश पांडे जी और चंद्रभूषण जी बस यही दमदार हैं जो कुल मिला के पूरा मीटिंग का संचालन करते हैं, और लगभग किसी भी तरीके को कैसे भी मैनेज करना है तो वो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। और इसके नेक्स्ट जो भी हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है,
तो ये मुशरफ जी खुद स्टार्ट करेंगे, तो मुशरफ जी आप थोड़ा स्टार्ट करिए, फिर आगे का जो भी है अगर किसी का इंक्वायरी होता है तो उस तरीके से बात कर लेते हैं। चलिए ओके थैंक यू, चलिए ओके थैंक यू। एक्चुअली हम लोग आज कुछ ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे लोगों को यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है या कोई कंफ्यूजन है, और बहुत सारे लोग जानने के बाद भी उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं। और मैं बार बार लोगों से यही कहता हूँ कि हमारे जितने भी फाउंडर हैं और हमारे जो अपलाइन है या आईटी मेंबर है, वो बार बार ये कहते हैं कि जो टूल्स आप लोगों को मिला है वो फाउंडर साइड में, आप लोग उनको रेगुलरली यूज़ करें, किसी भी पर्पस से आप उन चीज़ों को यूज़ करें। क्योंकि आप जितना उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो कंफ्यूजन है, ठीक है, आपका जो एक डर है कि शायद मैं इस पे कुछ काम करूँगा तो मुझे नहीं आ रहा है, तो शायद मेरी आईडी, कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि यार मेरी आईडी पे कुछ इफेक्ट ना हो जाए, तो ये एक डर बना रहता है लोगों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन चीज़ों को क्लियर कर दूँ कि आप कुछ भी एक्टिविटी अगर उन सिस्टम के अंदर आप कर रहे हैं, वो फाउंडर जो हमारा कॉन पैसिव वो फाउंडर जो है, तो इसके अंदर अगर आप जैसे एंटर कर रहे हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ, उसके बाद आप कुछ भी चीज़ की एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आपका एक काउंट होता है, आपका रिकॉर्ड काउंट होता है काउंट मीन्स की जो भी एक्टिविटी। क्योंकि अगर आप अपने ही सिस्टम पे अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एक एम्प्टी है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं ना, एक ब्लैंक पेजेस का एक पूरा बुक लिया है जिसमें मुझे फिल करना है, अगर मैं उसे पूरा एम्प्टी रखूं, खाली रखूं, तो मैं दिखाऊंगा क्या, दूसरे को क्या प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो आप उन चीजों को या तो किसी ना किसी तरह से आप यूज करो, ड्राइंग करो, लिखो, आप उन चीजों को यूटिलाइज करो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप अपना एक्सपीरियंस कैसे दूसरे तक शेयर करोगे आप। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको यूज़ करो। और एक तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों का जो ओ नेटवर्क साइड है, साइड है जो टूल्स है हमारा, जो टूल्स है आवाज़ हमारा, यूको हो रहा है, आवाज़ यूको हो रहा है, हो रहा है जी आवाज़। हाँ ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि ओ नेटवर्क साइड पे पहले देखिए बहुत सारे लोग, जैसे ऐश ने भी कहा था और डिलन सर ने भी, हम लोगों का जो एलसी मेंबर है, कि इंडिया से सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बस यही पोस्ट पहले डल रहा था आज से 1 महीना 1.5 महीने पहले। और आज की डेट में आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे उन चीज़ों को जा करके कि कुछ ऐसे भी कमेंट है और कुछ ऐसे भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपका, जैसे ही आप ओ फाउंडर साइट को लॉगिंग करते हैं तो वहां पे आपका ट्रेंड होना चालू करता है कि कौन सा ट्रेंड हो रहा है। जैसे हम लोग ऑन पैसिव का फॉर एग्जांपल किसी भी सोशल मीडिया पे एक हैशटैग चलता है ना, तो हैशटैग चलता है तो एक ट्रेंड होता है कि नंबर वन कौन सा है, तो हमारा ओ नेटवर्क का जो साइट है उसमें भी ट्रेंड होता है। तो वो AI टेक्नोलॉजी उस सिस्टम से उठा करके आपको लाइव वो चीज स्क्रीन में प्रेजेंट करता है जहां पे आपका फाउंडर दिख, तो ऑन पैसिव पे ट्रेंड हो रहा है। ट्रेंड मींस कि ऑन पैसिव को सर्च करने वाले अब मिलियंस ऑफ व्यूवर्स है, डेली बेसिस में सर्च कर रहे गूगल पे उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जो सर्विसेस है क्या आने वाला है। ठीक है, तो इन चीजों को सर्च कर रहे हैं लोग कि आखिर ये ऑन पैसिव है क्या, इतना क्यों सर्कुलेट हो रहा है, इतने लोगों के पास मैसेज जा रहा है, अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं, आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो लोगों के पास अगर आपका मैसेज जा रहा है, एक दिन वो चीज को ओपन करके देखते हैं कि ऑन पैसिव है क्या। और जिनको भी पता है, तो आपकी आईडी अगर लॉगिंग नहीं भी कर रहे हैं, उसको डर होता है, बहुत सारे लोग यार ये फेक मेल आया, कोई कंफ्यूजन है वो लोग, क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम है ना ऑनलाइन की दुनिया का, इंडिया में इतना डैमेज कर चुका है पूरी वर्ल्ड, मतलब इंडिया को, कि किसी
किसी भी पॉजिटिव अच्छी चीजों को भी लेने में लोग डर रहे हैं, या इसमें मुझे नुकसान हो जाएगा, अब इसमें फेथ नहीं रहा, कैसे ट्रस्ट करूं। सही बात है, ये जब किसी के भी पास ऑन पैसे फर्स्ट टाइम जाता है ना, तो जो टेक्नोलॉजी पर्सन है वो उन चीजों को देखता है, पर जो आम इंसान जिनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आम बिजनेस पर्सन है जो रोज के बिजनेस करते हैं अपना डेली बेसिस, तो उनको इफेक्ट होता है यार इसमें कुछ फिर वही चीज होगा कि ऑनलाइन केस में फिर मुझे नुकसान होगा। तो पर जिनको नॉलेज है वो क्या करते हैं, आपकी आईडी को क्लिक किए हुए बिना भी वो पहले गूगल पे जाते हैं, ऑन पैसिव टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, आपने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, आपने मैसेज भेजा फेसबुक, उन्होंने देखा, ग्रुप में शेयर किया, उन्होंने देखा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं ऑन पैसिव आखिर ये है क्या, फिर जाते हैं फेक एंड रियल है कि नहीं, तो उनको सारी चीजों का डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर कोई चीज देते हैं कि इसका जो ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड का इसका रैंकिंग क्या है, डेली बेसिस में 95% के ऊपर इसका रैंकिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है कि जो सर्च इंजन पे जो उनका जो लोग उसको देख रहे हैं डेली बेसिस में क्लिक हो रहा है, तो ये फर्स्ट पेजेस पे रैंकिंग हो रहा है इनका, फर्स्ट पेजेस ऑन पैसिव सिर्फ टाइप करेंगे गूगल पे तो फर्स्ट पेजेस में ऑन पैसिव का पूरा डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको दिख रहा है। तो ऑन पैसिव क्यों इस 49 लिंक को रेडी किया, रीजन है, अगर आप इन चीजों को डीपली देखेंगे बहुत सारा रीजन है इसमें। अब ऑन पैसिव का जो 49 लिंक है, पहले आप लोग लिंक शेयर कर रहे थे, आपका नाम जाता था, तो कुछ लोग जिससे आपसे अननोन पर्सन है वो हमेशा यही सोचते हैं, मैंने कहा ना अभी पहले कि लोग डरते हैं यार ये फिर वो आ गया ऑनलाइन वाला, कोई किसी से मैसेज भेजा यार ये फेक होगा फिर मुझे प्रॉब्लम है, तो एक कंफ्यूजन होता था, वो क्लिक भी करते तो यार ये बंदा फिर देखो फिर, क्योंकि आपने पहले ही ऐसे MLM या नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरह से बहुत सारा मैसेज पहले ही सबको सर्कुलेट कर दिया था, अब कोई पॉजिटिव अच्छी चीजें भी अगर भेज रहे हैं ना तो वो उस माइंड से देख रहा है कि यार इसको लू या नहीं लू, इसे देखूं या नहीं देखूं, एक कंफ्यूजन होता है। पर वो बंदा जब उन चीजों को देखता है, मैं डिफरेंट बता रहा हूं 49 लिंक और जो आपका पहले नॉर्मल लिंक जो हम लोग सेंड कर रहे थे इसमें डिफरेंट क्या है, तो आपका जो पहले वाला लिंक था जो आपके नाम से ओपन होता था, उसके बाद ऑन पैसिव का समथिंग इंफॉर्मेशन उसके अंदर था, उसके बाद बिकम अ फाउंडर वो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, पर 49 लिंक में पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम नहीं दिखता, आपका जो लिंक जा रहा है वहां पे वो प्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑन पैसिव को, ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है, ऑन पैसिव है क्या। अगर उस लिंक के अंदर फर्स्ट थिंग आप ज्यादातर लोग देखेंगे कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा अगर किसी चीज को हम लोग फर्स्ट स्टेप मानते हैं, तो ये देखिए हम लोग कहते हैं ना कि लर्न सीखना, तो सीखने का मतलब क्या होता है, सीखने का मतलब जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है। उमा जी आपकी आवाज, उमा जी आपकी आवाज युक्त कर रही है, युक्त आ रहा है क्या, हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, जो भी 49 लिंक ओपन करता है एकदम फर्स्ट ओपन होने के बाद फर्स्ट में आपको शो होता है ओवर अकेडमी। अब सोचिए ऐश का माइंड किस तरह से सेट है कि और भी कोई प्रोडक्ट का टूल्स को विजिबल किया जा सकता था फर्स्ट स्टेप पे, उन्होंने ओ अकेडमी जैसे ही वो 49 लिंक क्लिक करता है वो स्टार्ट होता है, पहले स्क्रीन पे चलता है ओ अकेडमी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेम ओ ट्रेम ओ ट्रैकर ओ कनेक्ट ओ मेल, ठीक है, इस तरह से वो सारी चीजें आता रहता है, फिर उसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं तो सम रेयर और मोर इन्फॉर्मेशन ऑन पैसिव किस तरह से है क्या है, फिर उस टूल्स के अकॉर्डिंग वो पूरा इमेजेस आता है। क्यों इन चीजों को दिया गया, क्योंकि जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, दुनिया का सबसे पहली चीज है स्टडी, सीखना, स्टडी क्या होता है, हम लोग कुछ सीखते हैं ना, तो पूरी दुनिया को सीखने के लिए ओ अकेडमी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोई चीज सीखोगे नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप बिलीव नहीं करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा एक बिजनेस
पूरा प्रोसेस है वो एकेडमी, हर एक फील्ड में, हर एक फैमिली, हर एक बच्चा, हर एक मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, कोई भी हो, रिचेस्ट परसेंट हो, सबको एडुकेशन नीड जरूरी है, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। सब कोई सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा भाई पढ़े, मेरे बहन पढ़े। पढ़ना जरूरी है। अगर एडुकेशन सेक्टर पे हमारा ओ एकेडमी है, ये सबसे मेन पॉइंट है। अब इन चीजों के लिए ही वो 49 लिंक को रेडी किया गया है कि जिस भी बंदे को पास वो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर उसको दिखता है। जब वो पूरा स्टडी, वो पूरा वीडियो क्लिप, वो सारी देख लेता है, उसके बाद उसके मन में इंटरेस्ट होता है, यार ये कैसे इसके अंदर मैं आगे जा सकता हूँ, प्रोसेस क्या है। जब प्रोसेस पे जाएगा तो बिकम अ फाउंडर, क्या आप इसमें बनना चाहते हैं, देन दे विल क्लिक। फिर उसमें वो क्लिक करता है, तब वो इंफॉर्मेशन उस बंदे को मिलता है कि ये आपका भेजने वाला पर्सन है। उसका नाम लिखा होता है वहां पे कि किसने भेजा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझा नहीं, बाद में उसे पता चलता है कि ये बंदे ने भेजा है। तो जब रजिस्टर्ड करता है तो फिर उस बंदे के पास एक मेल जाता है, उन पैसिव के पास एक्टिवेशन रजिस्टर्ड एक मेल जाता है कि क्या आप इसे रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। जब वहां से वो ओके करता है, फिर आगे का प्रोसेस, क्योंकि 49 में फर्स्ट पूरी चीजों को सिखा दिया कैसे प्रोसेस करना है। और जब बिकम अ फाउंडर पे वो जाता है तो उनका पूरा मेल आईडी, नेम, फोन नंबर, कंट्री, सारी चीजें, जब वो इंफॉर्मेशन डालता है तो राइट इंफॉर्मेशन डालता है तो ऑटोमेटिकली उसके मेल पे जाता है। फिर वहां से वो आगे का प्रोसेस कर सकता है कि अगर आप उसको फाउंडर बनना है तो आप इतना पैसा पेमेंट करेंगे, तब आपको दोबारा से मेल आएगा एनडीए के अकॉर्डिंग। तो ये सारा सिस्टम को क्यों बनाया है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। अब जो है यहाँ पे एक दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे सर ये 49 लिंक बहुत बड़ा हो जाता है, किस तरह से कैसे ऐड करूं। तो हम लोग कहते हैं कि आप ओ ट्रिम यूज करो। फर्स्ट तो आपने लिंक यूज किया, ओ ट्रिम यूज करो आप, क्योंकि ओ ट्रिम में आप 49 के लिंक को ले जाकर के ओ ट्रिम में शॉर्ट यूआरएल करो। शॉर्ट यूआरएल में जाकर के आप, जब वो शॉर्ट हो जाता है, फिर आप ले जाकर के उसको क्यूआर कोड सिस्टम भी कर सकते हो, उसमें आता है, डाउनलोड करो क्यूआर कोड। वो क्यूआर कोड जब आता है, लिंक भी आता है, आप लिंक को कॉपी करो, डाउनलोड करो आप क्यूआर कोड को। जब वो हो जाता है, अगर आप किसी को सेंड करते हो क्यूआर कोड के साथ अपना वही लिंक को, उस पर अटैच करके आप भेजो, वो एक यूनिक सिस्टम है। कोई सोचेगा यार ये पैसे वाला क्यूआर कोड है क्या है, ओ ट्रिम आया, ये किस तरह का लिंक है एआई टेक्नोलॉजी का, वो एक यूनिक चीज है। उससे भी आपको नहीं होता है तो आप हैशटैग चला रहे, हम लोग आप ऑन हैशटैग ऑन पैसिव चला रहे हैं, आप उसमें उस लिंक को शेयर करो किसी भी बंदे को। जैसे कि ऑन पैसिव एक बोलते हैं ना कि एक फेमस एक चीज है, मतलब पूरी दुनिया में ये फेमस होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है कुछ हद तक, मगर लोग इनको अभी तक मतलब रियल नहीं समझ रहे कि यार ये अभी तक तो आया नहीं है, ये समझ रहे आया नहीं है। पर हम फाउंडर को 100% पता है कि ये ऑलरेडी आ चुका है। क्यों? जो भी टूल्स आ रहा है ना, उन टूल्स को हम अपने ओ फाउंडर साइड में चेक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम रियल हैं, मुझे पता है। पर एज अ कस्टमर जब लॉन्च करेगा, जब कस्टमर आएंगे, तब उनको लगता है यार ये तो मैंने पहले भी देखा था, मिस कर गया मैं। अब क्या करेगा, फाउंडर तो नहीं बन सकता, पर जो आपने जहां पे सर्कुलेट किया, जहां पे उन चीजों को भेजा है, जब वो कस्टमर बन करके आएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के सिस्टम से। मतलब आप ऑन पैसिव को बिजनेस दे रहे हैं, जो एक्टिविटी आज आप कर रहे हैं, आने वाला टाइम में उस एक्टिविटी का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आप ऑन पैसिव को जब बिजनेस दे रहे हो, आज जो आप कहीं पे शेयर कर रहे हो ना, आप आने वाले टाइम के लिए, आप ऑन पैसिव के लिए बिजनेस स्टैंड कर रहे हो, आप
एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, किसी को जबरदस्ती हम लोग नहीं ला रहे, एक रियल चीज को हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उन चीजों का बेनिफिट हमें कब मिलेगा, कुछ तो राइट टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में मिल जाता है, जिन लोगों को इन चीजों के बारे पता है, जिनको नीडी है, जो चाहिए और जो रियल समझ रहे हैं कि नहीं ये रियल चीज है, ये होता है, एआई टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे का फ्यूचर है, हमारे भाई बहन का फ्यूचर है, इसमें बहुत सारे बिजनेस पर्सन का फ्यूचर है, गवर्नमेंट पर्सन का फ्यूचर है इसमें, तो जिनको समझ में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, सर मुझे भी इसका ये फाउंडर आप बना दो। अरे क्या है, थोड़ा सा ये है ना, चलो आप फाउंडर बना दो सर, मैं इस पर अटेंड करूंगा। वो बिजी शेड्यूल से भी क्या करता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे टाइम निकाल के किसी मीटिंग में अटेंड हो जाऊंगा। जो रियल पर्सन है वो फाउंडर बनते हैं, और जो वेट करते हैं वो लॉन्चिंग के बाद कस्टमर बनते हैं, पर पोजिशन फाउंडर का नहीं मिलेगा उन्हें, कस्टमर एज अ कस्टमर वो टूल्स लेंगे, जो टूल्स के अकॉर्डिंग वो डेली बेस, जैसे हम लोग रिचार्ज कर रहे हैं हर मंथ का जो हमारा एक पैकेज है, ठीक उसी तरह से उसका भी पैकेज होगा, उनको भी इनकम जनरेट होगा, वो जब सर्कुलेट करेंगे उनको भी बिजनेस होगा उन पैसिव से। पर हम फाउंडर का एक अलग कैटेगरी, एक अलग वैल्यू, एक अलग इमेज है। तो हमारी जो इमेज है, हमारा जो वैल्यू है, ये किसी कस्टमर या किसी नॉर्मल पर्सन से कंपेयर ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी, हर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट स्टेज पे हम लोग हैं जो फाउंडर है। जब तक ये फाउंडरशिप क्लोज नहीं होता, वो हर एक फाउंडर जो 2018 में आया है या 2022 में आ रहा है, जब तक फाउंडरशिप क्लोज नहीं होता, वो सब के सब फर्स्ट पोजीशन पे है, उस सिस्टम के टॉप वैल्यूएबल पर्सन है, जहां पे दुनिया के टॉप रैंकिंग पे स्टैंड होने वाले हर एक फाउंडर। तो यही सारी चीजें के लिए हम लोग कहते हैं कि आप इन चीजों को यूज करें, यूटिलाइज। अगर किसी को नहीं समझ में आता है, आप पूछो, अपने अपलाइन से पूछो, अपने लीडर से पूछो, आप मैसेज करो, सर मुझे इस तरह से करना है, कैसे करूं। जब तक आप किसी से पूछोगे ना, मैं हमेशा यही सोचता हूं, ये कोई क्वेश्चन करता क्यों नहीं है, मैं आंसर देने के लिए रहता हूं पर क्वेश्चन करता ही नहीं है। और जिस टीम लीडर, टीम चैंपियन पे धल्यन सर के पास क्वेश्चन करने के लिए, उस बंदे के पास मौका नहीं मिलता। अब मैं तो इतनी अपसेट से कहता हूं कि मैं क्वेश्चन करने के लिए मैं कहता हूं, क्वेश्चन करो, आप ढूंढो, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आप समझो। आज अगर आपको टाइम है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो लॉन्चिंग के बाद, फिर हम लोग बिजी हो जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम उन चीजों, उन टूल्स को अपने सिस्टम, अपने बिजनेस, अपने हर एक सिस्टम प्रोसेसिंग से उन चीजों के लिए हम अपना वर्क, अपना काम करना चालू कर देंगे स्टार्टिंग में, हमारे पास टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। ये रियल चीज है, ये रियल चीज है। जी माँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि अभी मैंने ये चेक किया, सारे अपने लोग फाउंड्री हैं, बाकी तो अभी कोई नया पर्सन तो मुझे दिखा नहीं है। बाकी अभी जैसा कि मुशर्रफ जी ने बताया, ये लिंक के रिगार्डिंग, ठीक है, तो लिंक को हमें करना क्या है, शेयरिंग करना है। अभी लिंक, अभी क्या है ना, जो अपना वो फाउंडर का जो पैनल दिया गया है, अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। सपोज दैट अगर हम इसका जितना भी स्टडी करेंगे, तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट रिजल्ट कम से कम आता है। अब है क्या, अगर हमें इसके तरीके सही से सीख जाएंगे, तो हमारे लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अब बिजनेस करने का भंडार कहाँ है, जैसे ही अपना पैनल आप लॉगिन करेंगे, तो ये ऑप्शन होता है माई लिंक। अब माई लिंक में जब हम क्लिक करते हैं, तो बहुत सारे लिंक निकल आते हैं। जैसे कई टाइप के लिंक होते हैं, आपका अनपैश लिंक हो गया, इनवाइट लिंक हो गया, इनवाइटेशन लिंक हो गया, वेबिनार लिंक हो गया, प्रेजेंटेशन लिंक हो गया, और रजिस्ट्रेशन लिंक हो गया। बट जितने भी लिंक हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। अब ये लिंक आपके लिए कुछ भी, आप अब जैसे हमारा मन ये डाउट होता है, मैं कौन सा लिंक भेजें, एक नंबर का भेजें, दो नंबर का भेजें, तीन नंबर का भेजें, वो आपके सारे लिंक हैं, आपके बिजनेस करने का पूरा मॉडल बना के भेजा हुआ है। आप कुछ भी भेजेंगे सामने वाले बंदे के लिए, आप इसको ट्राई करना एक बार, इसको ट्राई करना, चाहे अनबैसिड लिंक का कोई लिंक उठा के भेजना, इन्विटेशन लिंक का कोई लिंक उठा के भेजना, एक अपने आप में एक सरप्राइज पूरा पोस्ट निकल कर आता है।
अब क्या है, हमने क्या करा, लिंक भेजा। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो रजिस्ट्रेशन लिंक भेजते थे, रजिस्ट्रेशन लिंक किसको भेजना जरूरी है, मैं आपको सिंपल अपनी भाषा में बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लिंक क्या है, जैसे चंद्रभूषण जी हैं, चंद्रभूषण जी मेरे पास में सामने है और मैंने इनको एक्सप्लेन किया वर्बली, इनको समझ में आ गया, तो इनका क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो उठाया रजिस्ट्रेशन लिंक, उठाया और इनका मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। बट कोई बंदा मेरा दिल्ली का है, अब मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, मैं तो हूँ नहीं उसके पास में। तो सबसे बेटर अब हमें यही देखना पड़ता है, इतने जो हमारे पास फार्मेट है, जो हमारे पास कंपनी ने इतना सारा मतलब भंडार दे रखा है बिजनेस करने के रिगार्डिंग, तो इसमें उसके लिए कौन सा सुटेबल होगा, जो मैं कौन सा लिंक उसके लिए भेजूँ। तो अब क्या है, अब एक और सरप्राइज, पहले क्या होता था कि हम लिंक भेजते थे तो उसमें क्या लिख के आता था, वो फाउंडर। अब सामने वाले बंदे से हम बात कर रहे हैं अन पैसिव की, बोलता है यार आप आन पैसिव की बात कर रहे हो, वो फाउंडर, वो फाउंडर क्या होता है, कैसा क्या, क्योंकि फर्स्ट नाम जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में नाम है वो क्या नाम है, आन पैसिव। अपने लोग जो फाउंडर है, फाउंडर लोगों के लिए जो ट्रेंड नाम है फाउंडर है, बट आन पैसिव सबसे टॉप लेवल पे नाम है। अब इन्होंने क्या ऐड किया, आपका आन पैसिव लिंक के सबसे डाउन में 49 जो लिंक है वो ऐड कर दिया। अब उससे क्या है, अब क्या है, 49 लिंक अगर हम किसी को शेयर करते हैं तो सामने वाला बंदा जब उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसको वो फाउंडर नहीं दिखता है, उसको दिखता है आन पैसिव की साइट, यार ये तो आन पैसिव की साइट है। अब आन पैसिव की साइट पर जैसे ही क्लिक करता है तो उसे बहुत सारा मटेरियल मिलता है, यहाँ उसको एक पीडीएफ भी मिलता है, पीडीएफ में क्या है, उसको टूल्स भी देखने को मिलते हैं सारे सपोर्ट, क्योंकि वहां पर क्या है, पहले बंदा समझ लेता है क्या प्रोजेक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, इनका विजन क्या है, किस तरीके से करना है, क्या कंपनी है, जब वो समझ जाता है। अब हमने क्या करा, हमें यहाँ करना है क्या है, एक शेयरिंग करना है। अब इसको समझिए, इसको हमें शेयरिंग करना है, सामने वाले बंदे को हमने शेयर किया। अब शेयर अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिंक उठा के भेज दिया उसको वर्बली कुछ, या हमारा एकदम बिल्कुल अननोन पर्सन है, हमने उसको भेजा रजिस्ट्रेशन लिंक, अब उसको क्या समझ में आया भैया एम्बेसी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपने फोन में एक दो मिनट बताया होगा उसको। सबसे पहले क्या है, 49 लिंक भेजिए, जैसे ही 49 लिंक भेजोगे तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो ट्रेंड बंदा है, एकदम एक्सपर्ट बंदा है, तो वो क्या करेगा, 49 लिंक से बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लेगा। स्टडी करने के बाद में फिर आवाज आएगा, सर ऐसा है इसमें हमें ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने कर लिया, इसको मैंने कैसे एक्टिवेट करना है, क्या करना है, उसके बाद खुद रेस। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ग्राउंड लेवल पे इस लेवल का काम किया है, जब रेस्पॉन्स आया है तब मैं उस चीज को आपके सामने, जो रिजल्ट आया उसको मैं आपको बता रहा हूँ मैं, और बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट मैं अगर आज इसी चीज का जो इसको एक तरीके से बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब उसको शेयरिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर तरीके की बात की जाए, नंबर एक आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, बट अब क्या है ना, सारे लोग ये सारे टूल्स को यूज नहीं कर पा रहे होंगे। तो क्या है ना, मेरा मानना है 99% व्हाट्सएप लोग यूज कर ही रहे हैं, ठीक। अब लीड कहाँ है, अगर हर किसी के मोबाइल में देखा जाए तो कम से कम 100-150 की लीड तो मिल ही जाती है, हर किसी के कॉन्टेक्ट में 100-150 नंबर होंगे। और आप क्या करेंगे, अब ये 49 लिंक एक अपना एक फॉर्मेट बनाइए, जैसे सपोज दैट यहाँ पे आज मैंने एक फॉर्मेट बना के डाला था ग्रुप में, तो उसमें आपने देखा होगा एक फॉर्मेट। अब फॉर्मेट बना के जब मैंने डाला है, अब सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं जब टाइम निकाल के उस पर विजिट करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो एक्शन लेगा। अब इसमें है क्या, सारे लोग तो एक्शन नहीं लेंगे। मान लीजिए आपने 100 लोगों के लिए पब्लिश करा, 100 लोगों के लिए पब्लिश करा तो 100 में 100 नहीं आएंगे, यदि उसमें 5 भी आ गया, 10 भी आ गया। अब इसमें क्या होता है, अब इसको हमें व्हाट्सएप भी अपना पूरा चेक कर रहा होता है, उसमें रिप्लाई आता है, सर हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसके आगे क्या ऑप्शन है, समझ लेना। हम उसे कनेक्ट हो गए, उसके प्लग में हमने अपना कनेक्टर लगा दिया, अब हम कनेक्ट हो गए। हमें क्या करना है, उसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है, पहले हम उसे फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको भेजेंगे सामने। अब जैसे अगर सबको दैट हम डायरेक्ट फॉलोअप करेंगे, मान लीजिए 100 लोगों के लिए आप कॉल करते हो, और ये हमारा कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि हर किसी को अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में आप बताते हो, उसको सामने वाले को कुछ समझ नहीं आना है, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। अगर आप बढ़िया से उसे एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा पूरा 15 मिनट लगता है। अब 15 मिनट लगता है, 15 मिनट 15 और 1 घंटे में कितने लोगों से आप बात कर पाएंगे, ओनली 4 लोगों से।
और ये जो माध्यम है ये ऐसा माध्यम है इससे हमें पका पकाया मतलब चीज मिलती है। कैसे मिलती है? हमने 100 लोगों के लिए शेयर किया, 100 लोगों ने अगर 5 लोगों का रेस्पॉन्स आया, अब हमें क्या करना है? 5 लोगों के लिए ओनली फॉलोअप करना है। जब आप उसे बताओगे और सामने वाला बंदा ऑलरेडी विजिट कर चुका है, आर्नशिप क्या है, किस तरीके से करना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद आपके पास जब रेस्पॉन्स आता है तो समझ जाइए यहाँ से हम हमारा जो है 70% काम हो गया है, 30% होना बकाया। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरा अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे सपोज दैट यहाँ बोला जाता है कि नेटवर्किंग कंपनी ये टोटा सारी सब चीजें यहाँ तो जोड़ने वाली बातें की जा रही, यहाँ जोड़ने वाली बातें बिल्कुल नहीं की जा रही। हम फाउंडर हैं और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कंपनी के लिए कुछ करें। क्या करें? फिर भी कंपनी के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं। अब भलाई क्या? हम भी फाउंडर हैं। एक चीज आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, मान लीजिए मैं फाउंडर हूँ, मैंने सामने वाले को बंदे को फाउंडर बनाया, ऐसा तो नहीं कंपनी ने मेरे को बहुत सारा धन दे दिया, बहुत सारा पैसा दे दिया, वो भी फाउंडर, बट डिफरेंट इतना है, ओनली डिफरेंट इतना है, मैं उससे पहले आया, वो मेरे से बाद में आया, बट फाउंडर वो भी है। हमने उसके साथ में बहुत बड़ा भलाई वाला काम किया। और अब क्या है, अब जब हमने उसके साथ भलाई वाला काम किया, हम जितना देखिए कुल मिला के मेरा यहाँ पे जो हमारा पैनल है, ठीक, अभी कंपनी का भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हम अपने पैनल को शेयर नहीं कर सकते हैं, रियलिटी में बता रहा हूँ। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं लगभग आईटी के कई सारे सॉफ्टवेयरों पे, बैंकिंग हो गया आपका, कितने बैंकिंग हो गए, यूआईटी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाए हैं, बट आन पैसे से अभी कोई पैसा नहीं आ रहा। बट अगर मैं पूल को देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत सारा धन मिल गया। अब जैसे वो स्टाफ है, वो स्टाफ दिया, सपोज दैट किसी सामने वाले पर्सन के लिए ABCD वगैरह कुछ भी नहीं आता है, अब वो तो जानते नहीं भैया वो स्टाफ क्या है, कैसा क्या है। ठीक, तो अगर वो स्टाफ की बात की जाए तो वो स्टाफ आपका प्राइवेट सेक्टर हुआ, आपका गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, चाहे आपका एक छोटा सा एक स्कूल हुआ, एक जहाँ पर 5, 10, 20, 50 एम्प्लॉई काम करते हैं, वो हर किसी की जरूरत को पूरा करने वाला है। सपोज दैट मैं मान लीजिए मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने आप में ये गर्व फील होता है कि मैं उस को फाउंडर का ओनर हूँ, यानी मैं फाउंडर हूँ। अगर वहां से कुछ इनकम जनरेट होती है तो वो हम सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसके नेक्स्ट आ जा रहा है वो अकेडमी भी इतना बड़ा टूल्स है कि सपोज जैसे यस ने खुद बोला हुआ है ऑलरेडी कि हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि आप एक साल भी स्टडी करोगे तब भी उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बहुत ऐसे टूल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन मैं आज का ये टॉपिक ओनली शेयरिंग को लेकर कर रहा हूँ। अब पता नहीं कितना किसको कितना समझ में आया है, लेकिन ये मैंने जो बोला है मैंने अपना ये अनुभव बोला है, अनुभव इसका बहुत, क्योंकि मैं लगभग हल्का फुल्का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ, कर भी चुका हूँ, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, लोगों के पास मंजूरी क्या है, हमारे कुछ रूरल एरिया में कुछ ऐसे ऐसे पर्सन है जो सही से व्हाट्सअप नहीं चला पाते हैं, सही से टेलीग्राम नहीं चला पाते हैं, उसके लिए क्या है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर सपोज दैट हम 10 लोग परफेक्ट हैं, 10 लोग परफेक्ट हैं व्हाट्सअप चलाने में, टेलीग्राम चलाने में, उसको शेयर करने में, कैसे क्या, तो 10 लोग 10 लोगों के लिए बताएंगे तो कितना हो गया, 10 लोगों के लिए बताएंगे 100 लोग हो गए। ये बिजनेस क्या है, एक सिखाने का बिजनेस है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिखाने का बिजनेस है। और जब तक कि कंपनी लॉन्च नहीं होती है तब तक एक तरीके से मार के चलोगे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ पर जब ये स्टार्ट हो जाती है तब एक तरीके से मैं यही बोलूंगा रिटायरमेंट, और एक ऐसा रिटायरमेंट जो आपके साथ हो जन्म तक आपको इनकम देने वाला है। तो बाकी तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी ओवर टू होस्ट। थैंक यू सचिव, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को, और मुशर्रफ सर ने भी अपनी बारे को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों के बीच में शेयर किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप दोनों हमारे अपलाइन हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमको ट्रीटमेंट किया है अभी तक, और अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप उमा जी और मुशर्रफ जी हमारे साथ सदैव बने रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप लोगों ने बहुत दिल से, आत्मा से और बड़े प्यार से इस स्टेयरिंग को रखा है, अब तक शायद सबको समझ में आया होगा। और आज मैं अमित जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं अमित जी को आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पे कि वो भी आए और अपनी दो बातें रखें हमारे साथ जरूर। अमित जी क्या
सुन पा रहे हैं मुझे जी? पांडे जी, पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया निमंत्रित करने के लिए जी। और एक मैं आज यहाँ जुड़ा हूँ, एक बात मैं जरूर यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अमित जी ने जो ओ एकेडमी जो हमारा टूल आ रहा है 13 फरवरी को, तो इसकी सूचना सर्वप्रथम अमित जी के द्वारा ही हम सबको प्राप्त हुई थी, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा, उनको धन्यवाद बोलूंगा कि इतने अपडेटेड रहते हैं वो, 24 आवर्स आईडी को विजिट करते हैं अपनी, और जो भी सबसे पहली सूचना आती है वो हम सबके बीच में वो शेयर करते हैं, तो थैंक यू अमित जी, थैंक यू और अमित जी और अमित जी आप पांडे जी एडवांस रिसर्चर है, एडवांस रिसर्चर बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर मेंबरों को मेरा नमस्कार। मैं ये चाहूंगा कि हमारे ग्रेट सर मुशर्रफ सर उमा जी और हमारे ग्रेट होस्ट पांडे जी, मेरे ग्रेट होस्ट चंद्रभूषण जी, इनके द्वारा जैसा कि बताया गया अभी बहुत अच्छी तरह से बताया गया और काफी नॉलेजफुल बातें बताई गई, ऑन पैसिव को ना ही कोई एक्सप्लेन कर पाया है अभी तक और ना ही कर पाएगा, हम लोग तो केवल उसके जितना जो दिख जाता है वही बता सकते हैं, ऑन पैसिव बहुत ही गहरा समंदर है जिसके विषय में सभी लोग नॉलेज करते रहते हैं, जिसको जो मिलता है वो अपने माध्यम से इस मंच पर आकर अपने माध्यम से मंच के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऑन पैसिव में कई ऐसे फीचर हैं जो अभी हमारे सभी फाउंडर मेंबर शायद ना जानते हैं, अधिकतर जानते हैं बट कुछ होंगे एक दो नहीं जानते होंगे, तो हम तो सभी फाउंडर मेंबर से यही आग्रह करते हैं कि कृपया अपने लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बैक ऑफिस पर जरूर जाएं, हर बार विजिट करें, जितनी ज्यादा विजिटिंग आप करेंगे उतना, ये चीज मैंने कहीं देखी थी, उसका स्क्रीन शॉट नहीं लिया है बट बता रहा हूँ कि इतना जबरदस्त उसमें बताया जा रहा था, ये अमित दास जी हैं जो अभी हमारे ग्रेट सर ढिल्लन सर आए थे उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई थी, उनका वेबिनार एक वीडियो अपलोड हुआ था इस पे यूट्यूब पर, तो वो मैंने देखा था, तो अमित दास जी तो ये जो कहते हैं ना क्लाउड बेस जो होस्टिंग होती है इसके बहुत ही माहिर व्यक्ति हैं अमित दास जी, जो डेव पैनलिस्ट बनाए गए थे, उनके द्वारा ये चीज शेयर की गई और बहुत जबरदस्त तरीके से शेयर की गई, कि ढिल्लन सर को भी कहा गया, ढिल्लन सर ने काफी सराहना की उनकी कि आप अब ये हमारे जितने भी ग्रेट लीडर, ये हमें बार बार यही कहते हैं कि जितना आप ऑन पैसिव के बैक ऑफिस में जाएंगे, फाउंडर के बैक ऑफिस में जाएंगे उतना ही कंपनी को बेनिफिट होता है और आपका एक रैंकिंग क्रिएट होती है जिससे कंपनी को ये पता चलता है कि आप कितने एक्टिव मेंबर्स हैं इसके, तो हमेशा इस पर जाते रहिए और विजिट करते रहिए और इसकी जानकारी लेते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच अमित जी, और अब मैं अपने बहुत प्यारे साथी हमारे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, सर्वप्रथम मैं ऑन पैसिव मंच को नमन करता हूं सर। ऑन पैसिव के पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपना एड्रेस, मेरा नाम धर्मपाल है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए काफी दिनों से आपके शेयरिंग को सुनता चला आ रहा हूं, आप अपने भिन्न भिन्न तरह से जो हम सब लोगों के लिए आप प्रेरणा देते चले आ रहे हैं। ऑन पैसिव के शिवचिंतकों के फाउंडरों के उन हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं सर। जिस तरह से निरंतर आप फाउंडरों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर आकर कर ध्यान से सुनते हैं और धैर्य रखते हैं। सच कहना चाहता हूं सर कि मुझे सुनने में बहुत ही मजा आता है और इसीलिए मैं सुनता ही रहता हूं, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि कुछ आपके बीच शेयरिंग की जाए, कि आपकी शेयरिंग बड़ी ही लाजवाब रहती है सर।
बताना चाहता हूं कि मैं अंतासी प्लेटफॉर्म पर उस समय जुड़ा था कि जब 165,000 फाउंडर जुड़ पाए थे। मुझे लाने के लिए और कोई नहीं था, मेरा एक छोटा भाई था जिसने इस प्लेटफॉर्म पर मुझ पर लाकर खड़ा किया है। उस आप सबके लिए भी बहुत धन्यवाद है जो आपने विचारों को इतने अच्छे ढंग से हम सबके बीच रखते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप शुभचिंतक फाउंडरों के लिए भगवान सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भावना, सद्शक्ति, सद्प्रेरणा से उत्प्रोत रखे, ताकि आप इस परिवार के लिए नई नई विचारधाराओं से उत्प्रोत करते रहे। आन पैसिव फाउंडर साथियों से मेरा आग्रह है कि इस आन पैसिव परिवार में आकर आप चार चांद लगाते रहें और शेयरिंग फाउंडरों के उत्साह को बढ़ाते रहें। आप सबके बीच मैं कुछ पंक्तियां कहने जा रहा हूं। आन पैसिव एक ऐसा है परिवार जिसमें हम सबको मिलता है प्यार। लगता है अब हम ना रहेंगे धन से खाली, लगता है हम अब ना रहेंगे धन से खाली। आन पैसिव के हर पत्ते पर है धन की बाली, बाली में आएंगे भिन्न भिन्न के दाने, हम सब मेहनत से आन पैसिव को पहचाने। साथियों, हम सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अब हम बहुत ही किनारे निकट आ ही चुके हैं और मैं आन जो शेयरिंग फाउंडरों के लिए और अपने ग्रेट फाउंडर प्राउड फाउंडरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचारों के लिए ऐसे हम लोगों में प्रेरित करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आन पैसिव। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात को रखा, चंद शब्दों में ही आपने हम सबको समेट लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ हाँ जी सर, तो धर्मपाल जी शायद हम धर्मपाल जी आप शायद उमा जी के भाई हैं ना जी? हाँ थोड़ा भाई है, हाँ। थोड़ा भाई है। पांडे जी ये आलोक जी के अपलाइन है ये। सर हमें मौका देंगे किसी दिन। अरे साहब, आपके लिए तो मौका ही मौका है, बस आप आते रहे। थैंक यू। ठीक, ओके सर, ओके जी जी जी। यही कह करके इस मीटिंग का समापन करूंगा। आसमा को जिद्द है जहां बिजलियां गिराने का, आसमा को जिद्द है जहां बिजलियां गिराने का, हमको भी जिद्द है वही आशियां बनाने का, हमको भी जिद्द है वही आशियां बनाने का। हम ऑन पैसिव में हम वो चीज करके दिखला देंगे दुनिया वालों को, जो दुनिया वाले कभी सोच भी नहीं पाए थे कि ऐसा अपना प्लेटफॉर्म आकर के इस जमीन आसमा के बीच में इतना तूफान मचाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज के इस वेबिनार की घोषणा समापन करने की घोषणा करता हूँ विथ स्लोगन। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो 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 इन इट टू विन इट। थैंक यू। वी आर इन इट टू विन इट। वी आर इन इट टू विन इट। गुड नाइट।